सोलन में आईटीआई खोलने की संभावनाएं थी, जिसको लेकर आईटीआई प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां भी कर ली गई थी। बच्चों को संदेश भेज दिए गए थे, लेकिन अचानक कैबिनेट ने कक्षाएं लगाने पर मनाही लगा दी गई, जिसकी वजह से आईटीआई में कक्षाएं नहीं लग पाई। ये जानकारी आईटीआई के प्रधानाचार्य चमनलाल तनवर ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि अभी आईटीआई में केवल नई एडमिशन ही चल रही है और विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाएं लगाकर सिलेबस पूरा करवाया जा रहा है। फिलहाल आईटीआई में विद्यार्थी कब कक्षाएं लगा पाएंगे, इसके लिए अभी कोई लिखित आदेश नहीं आए हैं। आईटीआई के प्रधानाचार्य चमनलाल तनवर ने बताया कि करीबन 750 विद्यार्थी हैं जिनकी आईटीआई में शिक्षा जुलाई माह में पूरी हो जानी थी, लेकिन अब उनकी फाइनल परीक्षा नवंबर माह में होगी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की किताबी शिक्षा तो ऑनलाइन के माध्यम से पूरी कर दी गई है, लेकिन अभी तक उनके 250 घंटों के प्रैक्टिकल लगना शेष हैं। ये तभी पूरे हो सकते हैं जब प्रदेश सरकार कक्षाएं लगाने की अनुमति प्रदान करेगी। उन्होंने आशा जताई है कि 30 सितंबर से कक्षाएं लगाने की अनुमति मिल सकती है। उन्होंने बताया कि कक्षाएं लगाने के लिए सोलन की आईटीआई पूर्ण रूप से तैयार है, सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। नियमों के अनुसार सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग और बैठने का उचित प्रबंध कर दिया गया है। जैसे कि सरकार के हमारे को आदेश आए थे, एसओपी आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, डीजीएनटी से, उसके मुताबिक हमने पूरी तैयारी हमने जो है अपने हिसाब से शेड्यूल बनाकर एक रोस्टर बनाकर तैयारी कर ली थी। परंतु शुक्रवार को हमारे निदेशालय से पत्र आया, जो कि एसओपी थी और जो ऑर्डर्स थे वो विड्रॉ कर लिए गए टिल फर्दर ऑर्डर, अगले आदेशों तक। एज पर जो डायरेक्शंस थी हमें, तो उसमें मतलब मिनिमम 200-250 आवर्स इनके प्रैक्टिकल्स और उसमें एज इनके थ्योरी और ड्राइंग मैथ का जो रिवीजन है वो होना था, प्रैक्टिकल इनके होने थे। तो वो एग्ज़ाम इनके अब वैसे शेड्यूल के मुताबिक नवंबर में होने जा रहे हैं, और इसमें जो हमारे दो वर्षीय और एक वर्षीय जो बच्चे हैं वो 750 के लगभग एग्ज़ाम में अपीयर होने हैं, 18-19 वन ईयर वाले और 18-20 टू ईयर कोर्सेज वाले और 19-20 वन ईयर कोर्सेज वाले 750 बच्चे करीबन लगभग एग्ज़ाम में अपीयर होने हैं। हमने एक अपने संसाधन, हमारे अपने स्पेस और हमारी मशीनरी के हिसाब से हमने एक रोस्टर के हिसाब से इनको डिवाइड किया था, हर यूनिट को, हर ट्रेड को। तो उसके हिसाब से हमने जो एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल और एक उनका जो रोस्टर था वो बनाया है, उसके मुताबिक हमने जो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल उनको हमने करवाने थे। थ्रेटिकल का बच्चों ने अभी तक, जब से लॉकडाउन हुआ था और हमारी ई लर्निंग स्टार्ट हुई थी, तो ई लर्निंग में मैक्सिमम जो सिलेबस है वो हमारे कंसर्न ट्रेनर इंस्ट्रक्टर्स ने वो कवर कर लिया है। सिर्फ प्रैक्टिकल्स की जो है दिक्कत है, प्रैक्टिकल बच्चों के परफॉर्म नहीं हो पाए हैं, इसलिए अब हमने उसके लिए एक रोस्टर बनाया, शेड्यूल बनाया, तो उसके मुताबिक जैसे भी आदेश आएंगे सरकार के, उसके मुताबिक उनकी क्लासेस, उनके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाए जाएंगे। डायरेक्शंस के मुताबिक तो जैसे अब एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, तो और जैसे हमने कैबिनेट का भी सुना और सुनना है कि शायद 30 सितंबर से क्लासेस लग सकेंगी।